तो बैठते हैं। ये सुबह से देख कैसे जा रहे हैं। सो हेलो हेलो, ये पर ये हमारा वेस्ट है जो हमने खाया कम ना और वेस्ट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबरार निमत और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार निमत। आज मैं आया हूँ यहाँ पर बुफे खाने के लिए और रेस्टोरेंट का नाम है ए आर बुफे। ए आर रेस्टोरेंट जो है वो इसकी टोटल 3 ब्रांचेस है चाइना के अंदर, 2 ब्रांचेस शनयांग सिटी के अंदर हैं और 2021 में पहली ब्रांच बनी थी, 2023 में दूसरी और 2024 में इन्होंने अपनी तीसरी ब्रांच बना ली है। इनकी जो बाकी जो ब्रांचेस बड़ी एक्सपेंसिव है, जो शनयांग के अंदर भी है थीसी ग्वांगचंग स्टॉप के पास है सबसे बड़े, वो भी बड़ी एक्सपेंसिव है। ये वाली जो ब्रांच इन्होंने वो थोड़ी सस्ती करके बनाई है, स्पेशली यहाँ पे सिर्फ बुफे लगाए जाते हैं और बुफे की जो पर हेड की कीमत है ना इसकी, वो है आलमोस्ट आप कह सकते हो 88 RMB। जैसे हम जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर इंटरव्यू हैं तो उन्होंने हमसे कहा है कि भाई 88 RMB आप जमा करा दो और 20 RMB डिपॉजिट के तौर पर जमा करा दो, इन केस आप बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट करते हो ना तो आपको जो है वो 20 का डिपॉजिट है वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हमने जब खाना खाया, हमने काफ़ी सारा खाना जो है वेस्ट किया था, वेस्ट करने के बावजूद जो है उसने हमें 20 RMB रिटर्न कर दिए थे दोनों। भैया ये सबसे ऊपर चिकन है, डक है, चिकन है, चिकन है और ये लैम है और ये वाली भी चिकन है। अगर ये आपको चाहिए हो तो ये सर्व कर देते हैं, जितने आपको चाहिए हो जैसे कि ये सर्व कर दें। अच्छा, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम बुफे वगैरह खाने के लिए आए हैं और इसका अंदर का व्यू मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये रेस्टोरेंट का अंदर वाला हिस्सा है, ये इनका रिसेप्शन है, सामने स्वीट डिशेस लगी हुई हैं और इस साइड पे जो है ये इसकी बाकी सेटिंग है। अभी कोई आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये खा चुके हैं सारे और ये हम खा रहे थे। वो बातें लगे हैं खाने साले, ये पहली पहली डिश है ग्रिल्ड मिक्स वेजिटेबल बीफ सॉसेज फ्राइड फिश, ये फिश है और ये बीफ है और इसके अलावा ये है चिकन कड़ाही और ये वेजिटेबल पकौड़ा। पकौड़े जो पाकिस्तान में रमजान में खाए जाते हैं ये चिकन के साले ने, इसके अलावा ये बीफ पोटैटो है, बीफ का साले ना उसके साथ आलू और ये है क्रीमी चना और ये क्या है क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग अंडा, ये चने। कीमा मटर, ये लैम का कीमा है, कभी बीफ का होता है कभी लैम का होता है और ये लैम का कौरमा है बकरा और चिकन मंचूरियन, चिकन बटर चिकन और चिकन बिरयानी और ये पाकिस्तान की फेवरेट बिरयानी। ये ब्लैक पेपर वाला बीफ है जो शादियों में अक्सर चलता है। ये नूडल्स, चाउमीन, स्पैगेटी, ये है चिकन चीज़ अंडा और चिकन चीज़ नान और ये साथ रोटी है और ये जिंगर एंड द लास्ट वन चीज़ नान और ये पिज़्ज़ा है, लेकिन अभी ये ख़त्म हो गया तो इसलिए नहीं पड़ा हुआ। और ये दो यूजलेस डिशेज हैं जो हमने नहीं फ्राई की, चिकन कॉर्न सूप और लैम सूप। इसके अलावा ये सारा रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे तो बैठते हैं। ये सुबह से देख ऐसे जा रहे हैं। सो हेलो हेलो, ये जब से इन्होंने मुझे देखा है ऐसे जा रहे हैं तब से पता नहीं क्यों इसकी बार बार। और इसके बाद ये है अरेबिक सैलड, मैक्रोनी रशियन सैलड और ये तलबीना जो खाना सुन्नत है ये बड़ा हुआ है
अच्छा बिना को खाने का तरीका ये होता है कि इसके ऊपर आप हल्का सा हनी डाल के खाते हो, और ये मिंट चटनी है, पुदीने की चटनी है, और ये सैलड है जो फ्रेश ग्रीन सैलड होता है, ये हलवा है चाय बेसन का बना हुआ है, ये डेट्स, और ये शाही टुकड़ा है। और अभी फ़िलहाल ये आप लोग स्पेस देख लो, यहाँ से सारे की सारी खत्म है, क्योंकि इसमें थी खीर, और खीर जो आपने सारी की सारी खा ली है, 6-7 गोलियाँ। और इसके अलावा ये जो ड्रिंक्स वगैरह पड़े हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं सारे, और ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप ले सकते हो जब आप चाहो। और ये प्लेट्स हमें पड़ी हैं अगर आपने प्लेट में डाल के कोई भी डिशें लेनी हो। उसके अलावा अगर कोई बंदा ड्रिंक्स वगैरह का शौकीन है, बियर शेयर का, तो ये भी आपको इसी 88 RMB में मिल जाती है। और ये दूसरा पोर्शन है इधर का, इसमें सारा जो है वो तला हुआ सामान है, फ्राई वाला, ये नगेट्स, ये रिंग है आलू के, चिप्स, ये चिकन की होती है, चिप्स की रखनी होती है, और इसके अलावा ये जो पड़ी है यहाँ पे कोकोनट की लस्सी, ये मिंट मार्गरेटा ये पड़ा हुआ है, और ये लस्सी पड़ी है, और ये भी साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। बेटा आप साइड पे बताओ। और एक ये सबसे बड़ा हाल है, अगर ज़्यादा रश हो जाए तो यहाँ पर भी वहाँ बैठती है। इसके अलावा ये सामने भी एक कमरा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना रश नहीं है, तो उसके वजह से ये खाली पड़ा हुआ है। अभी हमारा जो है वो 2 घंटे का टाइम पूरा हो गया है, और अभी हमें बताएंगे, हमें कोई फाइन साइन तो नहीं लगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा खाना वेस्ट भी किया। दूसरी है, और ये हमारा वेस्ट है जो हमने खाया कम है और वेस्ट ज़्यादा किया, वो पड़ा हुआ है, ये देख लो आप, ये अब उठा रहे हैं, और मेरा निकाल के हमें जो डिपॉजिट हमें दिया हुआ है वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं लगता। बुफे खा के हम यहाँ वापस आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा थकावट होगी बुफे खा के, आप लोग को नज़र आ ही रहा होगा। खैर बुफे जो था वो पर हेड वहाँ पे 88 RMB का था, और तकरीबन मैंने काउंट तो नहीं की, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 30-40 डिशेज वहाँ पर मिनिमम इतनी थी, मेरे ख्याल से 40 डिशेज थी वहाँ पे सारी मिला के, मे भी इससे भी ज़्यादा हों, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा हों, क्योंकि 12-15 तो मैंने ट्राई की थी, मैंने बहुत थोड़ी सी ट्राई की थी। और रहमान रेस्टोरेंट है शनिहार के अंदर, उसके 3 ब्रांचेज हैं, तीसरी ये वाली उन्होंने नहीं ओपन की है, 4 से 5 दिन हुए ब्रांच ओपन किए हुए, और बाकी 2 ब्रांचेज इसकी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये वाली जो ब्रांच उन्होंने ओपन किया ये थोड़ी सी सस्ती है, नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे 88 RMB के अंदर आपको जो है वो 30 से 40 डिशेज मिल रही हैं, जिसके अंदर ड्रिंक्स आपको कम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, स्वीट में बहुत सारी डिशेज थी, सैलड थी, क्योंकि चाइना में नॉर्मली सैलड होता है या रायता होता है योगर्ट, वही आपको 5 से 8 RMB का मिलता है, किसी का भी 20 RMB का भी मिलता है आपको, तो ओवरऑल ये पैकेज 88 RMB का काफ़ी सस्ता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप शनियांग के अंदर रहते हैं तो आपको इस जगह को मस्ट विजिट के लिस्ट में डाल लेना चाहिए, ताकि विजिट करें, क्योंकि इनका टेस्ट ऐसा था जैसा कि एकदम आपको वो पाकिस्तान की याद आ जाती है, यार ये पाकिस्तान के अंदर मैंने ऐसा जो है वो बीफ का कौरमा या मटन का कौरमा मैंने खाया है। और उसके बाद वो हर 15 से 20 मिनट के बाद चक्कर लगाते हैं, अगर आपको चाहिए क्या टिक्के चाहिए, लैम के चाहिए, चिकन के चाहिए, या फिर एक और चीज़ थी, एक और क्या चीज़ थी, कलेजी, कलेजी भी वहाँ पे है, तो डिशेज़ काफ़ी सारी हैं और पैसे बहुत कम हैं। मैं आज हो आया हूँ क्योंकि आज इनका 4th दिन था, या आई थिंक सो 5वां दिन था, 5वें दिन जाके हमने चक्कर लगा लिया है, मेरी तरफ से जो है वो 9 में 10 नंबर इस रेस्टोरेंट के बनते हैं अगर आप चाइना के अंदर खा रहे हो तो। खैर आपसे मैं लगा तो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं अभी, ज़्यादा मैं थक गया हूँ, और अभी जाके शावर लेते हैं, और शावर लेके इंशाल्लाह सोते हैं। अल्लाह हाफिज़।